राम राम, जय माता दी। दोस्तों, मैं सीमा तिवारी रेयर एस्ट्रोलॉजी से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मेरा पहला वीडियो है, आप सभी का सहयोग चाहती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को देखिए, वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हौसला बढ़ेगा जिससे कि मैं नई नई वीडियो आगे बनाती रहूँगी। दोस्तों, आज मैं अपना पहला वीडियो शुक्र ग्रह से शुरुआत करने जा रही हूँ कि कुंडली में हमारा शुक्र किन आदतों की वजह से खराब हो जाते हैं और लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। दोस्तों, शुक्र ग्रह फैशन का, लग्जरी का, दाम्पत्य सुख का, पति पत्नी का ये कारक माना गया है। दोस्तों, कुंडली में अगर शुक्र अच्छा होता है तो लग्जरी अच्छी मिलती है, जिंदगी में हर सुख सुविधाओं का समावेश रहता है। व्यक्ति अपनी ही आदतों की वजह से अपना शुक्र खराब कर लेते हैं। व्यक्ति कंपनी के नाम से, ब्रांड के नाम से पीछे भागते हैं, उसकी कीमत में अपनी शान को ऊंची समझते हैं, तो यहाँ शुक्र खराब फल देने लगते हैं। जो लोग अपने पर्स में फैमिली की फोटो रखते हैं या तो भगवान की फोटो रखते हैं, वहाँ भी शुक्र डैमेज होता है। दोस्तों, जो लोग दिन भर शीशा देखते हैं, अपने बाल को संवारते हैं, उनका भी शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर होता है। जो लोग मैले कुचैले गंदे कपड़े पहनते हैं या कपड़े को साफ नहीं रखते, उनका भी शुक्र खराब होता है। जो लोग अपने कपड़े बिना धोए एक दूसरे से एक्सचेंज करके पहन लेते हैं, उनका शुक्र अच्छा होते हुए भी कमजोर प्रभाव दिखाता है। जिनके घर में सामान बिखरा रहता है, चद्दर अच्छे से नहीं लगी रहती, जूता इधर उधर पड़ा रहता है, सामान सही ढंग से नहीं रखा जाता, उनका शुक्र ज़्यादा कमजोर होता है। जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, नहाते नहीं, खाली परफ्यूम लगा लेते हैं, अपने बालों को, अपने नाखूनों की सफाई नहीं रखते, इन सब आदतों से शुक्र निगेटिव प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, जो हमेशा रोते हैं, अपने को बेचारा दिखाते हैं, दूसरों के सामने अपना दुखड़ा रोते हैं कि उनके साथ हमेशा गलत हुआ, किसी का सपोर्ट नहीं मिला, ऐसा करते हैं, ऐसा करने वालों का शुक्र हमेशा बुरा प्रभाव दिखाता है। किसी भी स्त्री जाति का, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, कभी भी अगर उनका अपमान करोगे, उनको नीचा दिखाओगे, इससे भी शुक्र निगेटिव हो जाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ वफादारी ना करके दूसरे के साथ संबंध बनाना या दूसरी बहन बेटी के बारे में गलत सोचना भी निगेटिव शुक्र को दर्शाता है। इससे माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए और इससे बचिए, जिससे शुक्र को मजबूती मिलेगी और कुंडली में शुक्र प्रबल होके धन दौलत ऐश्वर्य को मजबूत करेंगे। दोस्तों, इसके बाद मैं अपने वीडियो को विराम दे रही हूँ। दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।